आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर चंबल संभाग में स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया से प्रारंभ हुआ जनसंघ का अध्याय। स्वर्गीय माधवराज सिंधिया के साथ साथ भाजपा के उत्थान और प्रगति के नित नए सोपान और संघर्षों के अनवरत इतिहास जुड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ और हिंदू महासभा का प्रारंभिक संघर्ष काल उस कालखंड का हिस्सा रहा जब कांग्रेस सर्वोच्च शिखर पर थी। तत्कालीन कालखंड के कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जो राजनीतिक धरातल पर अविस्मरणीय रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं का सिंधिया परिवार से टकराव और संघ विचारधारा से टकराव हमेशा से रहा। आपातकाल की बदतर स्थितियों में कभी न झुकने का संकल्प लेकर राजमाता सिंधिया ने अपनी पुस्तक में बेहद भावनात्मक रूप से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की ओर इशारा करते हुए लिखा कि पुत्र लौट आओ। वो एक कालखंड भी था जब माधवराव सिंधिया जनसंघ को छोड़कर आपातकाल के दौरान कांग्रेस से जुड़े थे। आपातकाल के उस दौर में एक तरफ जहां हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जेलों की सलाखों में ठूंस दिया, वहीं दूसरी ओर राजमाता सिंधिया एकमात्र भाजपा की विचारधारा के ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाली महिला थीं, जिन्होंने सीधे साधे स्वर्गीय इंदिरा गांधी को चुनौती दी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के हमेशा से ये भाव अधूरा रहा कि उनके जीवित रहते हुए उनके पुत्र माधवराव सिंधिया भाजपा में नहीं आ सके। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया पर लिखी गई पुस्तक के मूल भाव में इस पीड़ा को आसानी से समझा जा सकता है। समय आया और आज स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के प्रपोत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा के उत्थान से राजमाता सिंधिया का जुड़ाव, जब तक भाजपा नामक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन जीवित रहेगा तब तक उनका नाम संस्थापक के रूप में अनवरत बना रहेगा। तत्कालीन कालखंड की स्थितियों में भाजपा को अटल आडवाणी और राजमाता की भाजपा से जोड़ा जाता रहा। भले ही आज भाजपा का स्वरूप और विस्तार किसी भी स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की धरा अनवरत उनके संस्मरणों में एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि को देखती है, वहीं दूसरी ओर राजमाता सिंधिया के अकल्पनीय योगदान को। अब हम चर्चा करते हैं भाजपा में उस कालखंड के बाद शामिल हुए और आज तक जुड़े रहे शीर्ष पदों के सिंधिया घराने के उन व्यक्तियों के विषय में जिन्होंने भाजपा को अनवरत शिखर की ओर पहुंचाने में अपना योगदान दिया। वसुंधरा और दुष्यंत ग्वालियर सिंधिया राजघराने की महारानी राजमाता सिंधिया की पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की बहू बनी। उनके ससुराल धौलपुर राजघराने में है। 1984 में वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहीं। तेज तर्राटे छवि और कुशल रणनीतिकार के रूप में चर्चित राजस्थान की बहू वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय स्तर की नेताओं में गिनी जाती हैं। अपनी जिद के आगे कई बार उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी झुकने को मजबूर कर दिया। परिवार की विरासत को भाजपा की ओर समर्पित करते हुए उनके पुत्र दुष्यंत भी राजस्थान की भाजपा राजनीति में अपने लोकसभा क्षेत्र झालवाड़ से सांसद हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी मां से मेल खाता है। कहते हैं कि राजस्थान में भाजपा आज भी वसुंधरा पर इस हद तक निर्भर है कि वसुंधरा के बिना भाजपा की सरकार लाना अकल्पनीय है। राजमाता सिंधिया की दूसरी पुत्र यशोधरा राजे सिंधिया शादी से पूर्व राजनीति से अधूरी रहीं। वर्ष 1977 में विवाह के बाद वो अमेरिका चली गई और जब राजमाता सिंधिया की मृत्यु हुई तो 1994 में यशोधरा भारत आकर भाजपा की सदस्य बनी। उन्होंने भाजपा के टिकट पर शिवपुरी से चुनाव लड़ा। 1998 से वो 2018 तक 5 बार विधायक रहीं और 1 बार ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से सांसद। भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश में वो 2 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रहीं। विचारों और व्यक्तित्व से वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह कठोर स्वभाव और व्यक्तित्व के रूप में सीधे सपाट बात करने वाली सक्रिय राजनीति में क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण के भाव रखने का उनका अपना अलग अंदाज है। वर्ष 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जब देहांत हुआ तो 1 वर्ष तक उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अपने पिता की कांग्रेसी विरासत को आगे बढ़ाने का उन्होंने जिम्मा उठाया और वर्ष 2002 में वो पहली बार सांसद बने। लगभग 3 विधानसभा लगातार जीतने के बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार मोदी लहर के चलते अपने ही क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति से हो गई जो उनका विशेष सहायक रहा।
केपी यादव जैसे जमीनी और युवा कार्यकर्ता से चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भावनात्मक और मानसिक रूप से ऐसा झटका लगा कि उन्होंने लगभग एक वर्ष तक अपने लोकसभा क्षेत्रों में संपर्क नहीं साधा। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनके द्वारा की गई अटूट मेहनत को अति महत्वाकांक्षी कांग्रेसी नेता और रणनीतिकार दिग्विजय सिंह ने नकारना प्रारंभ कर दिया। विगत एक वर्ष के अंतराल में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया से किनारा करना प्रारंभ कर दिया। बताया जाता है कि इसके पीछे की रणनीति दिग्विजय सिंह के चाणक्य दिमाग से जुड़ी हुई थी। ऐसा ही व्यवहार एक वक्त स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ भी दिग्विजय सिंह के रहते हुए किया गया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव के चलते माधवराव सिंधिया पर हवाला कांड में शामिल होने का आरोप लगाया। उस समय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया में विकास कांग्रेस के नाम से नवीन दल का गठन किया था। वर्ष 1993 की वही स्थितियां एक बार फिर से सामने आई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अप्रत्याशित रूप से कठोर निर्णय लेते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली में भाजपा की स्थायी सदस्यता ली। 13 मार्च को उन्होंने भाजपा की ओर से राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया और एक बार फिर से अपने भावुक भाषण के दौरान भाजपा कार्यालय भोपाल में वही कालखंड दोहराया जो उनकी दादी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया से जुड़ा हुआ था। आज हम उस इतिहास और कालखंड को याद करते हैं तो सामने वो समय आ जाता है जब राजमाता सिंधिया का संपूर्ण परिवार आज अपनी मूल विचारधारा अर्थात भाजपा की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में आना भले ही परिस्थिति वश हो और आगे की ग्वालियर चंबल संभाग रणनीति आंतरिक और बाहरी रूप से कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी गिरेगी और क्षेत्र में सिंधिया घराना एक बार फिर से नई ताकत के साथ प्रदेश की राजनीति में उभरता हुआ दिखाई देगा।